गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। चलो तो आज छुट्टी है सबको, तो हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए। मौसम भी बहुत अच्छा है, देखो बारिश का मौसम है। तो चलो सुबह के, तो मैं आज जल्दी सो के उठ गया, उठाऊँ तो मैं अभी घूमने जाऊँ। सब रेडी हो गए, एक ही बंदा जो बाकी है। तो चलो फिलहाल अभी हम रूम से निकल चुके, तो अभी जा रहे घूमने के लिए। तो देखो अभी रास्ते पे है, पैदल ही जा रहे बस स्टैंड को। तो चलो अभी निकल, चलिए जा रहे, निकल चुके रास्ते में। देखो पीछे एक फौज है हमारे, हम बस स्टैंड पे आ गए। हम जाते समय चाय पीने रुके, क्योंकि हमको अभी चाय से हमारा दिन नहीं होता, तो अभी हम चाय पीने रुके। तो देखो उधर तीनों रुके, क्योंकि उस बैठने के लिए जगह नहीं थी, इस वजह से वो वैसे ही खड़े बातचीत करते हुए। तो देखो मैं अभी इधर बैठा, मेरे के लिए जगह मिल गई, तो हम जाएंगे चाय पीने के बाद। हम जा रहे हैं, हमारी चाय आ गई, तो हम फिर फिर बाकी लोग अंदर गए कि चाय पीनी हो गई। तो अभी हम बस का वेट कर रहे हैं, पीएमटी का वेट कर रहे। तो चलो अभी पीएमटी आएगी थोड़ी देर में, जाएंगे तो फिलहाल हम बस का वेट कर रहे थे, तो हमको बस नहीं लगी। तो फिर एक ऑटो का टमटम था, उसके उस बोला बस का टिकट देते चलो, तो उसमें बैठ के हम निकल पड़े। तो हम निकल गए थे, अभी बस क्या नहीं आई, बहुत देर तक रुके थे हम, इसकी वजह से नहीं आई। तो देखो अभी नज़ारा भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सुबह से बारिश बरस रही थी थोड़ी थोड़ी। तो देखो नज़ारा भी अच्छा है उधर जाने के लिए, बारिश का मौसम भी है। तो चलो घूमने के लिए भाई लोग, कितनी बड़ी ट्रैफिक रहती है वाघोली शहर में, तो बहुत बढ़िया भीड़ भी है इधर, बहुत ट्रैफिक लगती है। देखो इधर पीएमटी स्टॉप है, उधर देखो जो दिख रहा है, बहुत बड़ी ट्रैफिक लगती है इधर, घंटा घंटा शाम के टाइम में बहुत घंटा घंटा लगना पड़ता है यहाँ पे। जा रहे थे पैदल ही, वाघी से बागेश्वर का बहुत बड़ा मंदिर इधर बागोली में, तो जा रहे हम जा रहे हैं अभी पैदल ही बागोली में, बागेश्वरी मंदिर में। रिकॉर्ड करा जा, क्लिप क्लिप कर, मंगा रिकॉर्ड आता जो लोग आवाज़ है ना, बरोबर
फाइनली हम भी अब पैदल चलते चलते मंदिर के पास आ गए। तो ये तो वागेश्वर का मंदिर नहीं दिखा दिया क्योंकि इसमें अंदर महादेव के पिंड है, तो हम अभी दिखाएंगे तुमको कैसी है। तो चले देखते अभी। अंदर जाते समय बहुत अच्छी नज़ारा देखने को मिला हमको। तो देखो हरे भरे पेड़ भी है बहुत सारे। इधर सामने नंदी का मूर्ति है तो भाई दर्शन करते हुए, तो अंदर जाके देखा तो बहुत लोग सारे महादेव के पुण्य की पूजा कर रहे थे। तो देखो अंदर से ऐसा मंदिर है महादेव का, तो ये बहुत बड़ी पिंड है। तो चलो अभी इधर बाहर हम बैठे थे, इधर मौनवत करते देखे हमारे भाई लोग। तो चलो देखते फिर आगे। दर्शन सब कर लिया तो अभी हम मंदिर के परिसर में घूम रहे थे, तो बहुत सारे पेड़ दिखे हमको। पिंड की दर्शन किया तो अभी फिलहाल हम मंदिर की प्रदक्षिणा करते समय सचिन भाई और मैं तो हम दोनों कर रहे थे। तो साइड में एक तालाब भी दिखा दिया हमको इधर बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारा पानी था बोटिंग के लिए। इन भाई प्रदक्षिणा करते समय हमारी नज़र उस भाई ने बोला उधर चलो हम जा रहे, तो उस उधर गए तो हमको तालाब दिखा दिया बोटिंग का। उधर पड़ा तो हम गए, उसका बोर्ड लगा था बहुत सारा बोटिंग के लिए सीखने, किसी के तो बोटिंग करके कर सकते हैं उसमें। तो बहुत पानी था उसमें तो हम नहीं गए। तो चलो ऐसे ही पुरातन मंदिर है वो बांध का पूरा उसमें, तो पूरा पत्थर का ही मंदिर है वो बांध काम के लिए, बांध काम है उसका। तो ऊपर से नीचे पूरा पत्थर का ही है। तो देखो भाई लोग कैसा है दिख रहा है पत्थर वो। तो इधर आए हैं हम अभी भगवान का दर्शन करेंगे। तो देखो ये संत विठल रुक्माई का मंदिर है वो। दरबार की संप्रदाय की दिंडी दिख रही है, चित्रकार कूर है। अभी जाते समय मंदिर के बाहर हमको एक चाचा मिले, उसके पास हम गन लगा के चल रहे थे। जाते समय गन लगा हम निकल रहे हैं। हम अभी महादेव का दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं। तो अभी हम जा रहे चिंतामणि थेऊर गणपति का दर्शन करने के लिए। तो पैदल अभी बस स्टैंड तक जाएंगे, पैदल ही आए थे पैदल ही जाएंगे। तो चलो जा रहे हैं अभी पैदल। तो चलो फिर मिलते चिंतामणि गणपति अष्टविनायक का एक महागणपति कहा जाता है उसको, उसके चौचरी। तो वो भाई लोग आगे आगे दिखा रहे, पीछे बहुत सारी ट्रैफिक है। तो चलो अभी हम जा रहे, बहुत सारी ट्रैफिक लगती है, छुट्टी है। तो अभी हम पीएमटी में बैठे, तो अभी ड्राइवर आना बाकी है, तो पीएमटी से जाएंगे हम सीधा। देखो नहीं हुआ था तो हम पहले ही बैठ गए, तो फिर टाइम होने के बाद हम पीएमटी स्टॉप से निकल चुके थे। तो इधर बहुत बड़ा पीएमटी स्टॉप है वागोली में। तो चलो अभी देखो तो जाते समय हमको बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दी, उसका अभी बांध काम चल रहा है। तो देखो अभी बहुत दिनों के बाद हम रूम के बाहर निकले थे घूमने के लिए, तो आज फुल एंजॉय करने वाले जाते समय। वो देखो बहुत बड़ा नज़ारा भी है, बारिश का मौसम भी है, तो घूमने का मज़ा ही कुछ। फाइनली हम पहुँच चुके हैं थेऊर में। तो चलो अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं पैदल ही, नज़दीक ही मंदिर है उधर, महागणपति है उधर ही। तो चले मला पुरो मला आणि जगरी जावं लागेल कोणाचं
तुम्ही जाऊ नये आम्ही जातो घरी. इथे ना आलो मोरगाव मोरगाव फाइनली हम मंदिर में आ चुके. तो देखो तो चले गणपति दर्शन है तो क्योंकि इधर बैनर पड़ा हमने कि मोबाइल वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं. तो हमने देखा ये अंदर जाते समय ये तो महागणपति रांजनगांव जैसा ही डेकोरेशन है अंदर ही. तो चलो अंदर शूटिंग नहीं करने दे इसकी वजह से नहीं. सॉरी गाइज हम अभी शूटिंग नहीं निकल सके अंदर के क्योंकि इधर बोर्ड पे लिखा था सख्त मना है. तो ऐसे ही चुप चुपके से शूटिंग निकाल रहे थे हम वीडियो. तो देखो यही देखो फोटोग्राफी नॉट अलाउड है इस पोस्टर में लिखा. तो ऐसे ही चुप चुपके देखो ऐसा ही मंदिर चिंतामणि थ्योर का सिद्धि विनायक ऐसा. तो देखो रांजणगाव तो जास्त यायला हे सर फेमस असल्यामुळे रस्त्यावर असल्यामुळे जास्त हे थोडस. अभी हमारा दर्शन हुआ तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह घूमने के लिए. तो थोड़ा सा देखेंगे किधर जाने का. चलो अभी हम निकलते हैं. चलो वो देखो पीछे कुछ तो ले रहे हैं इधर खड़े हैं. अभी हमको भूख लगी तो हम जा रहे नाश्ते के लिए. कुछ तो नाश्ते के लिए जा रहे. अभी होटल में आ चुके तो ऑर्डर दे दिया है. तो अभी ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम लगेगा. तो अभी बैठे बातचीत करते करते समय तो अभी आएगा हमारा ऑर्डर दिया था मिसल पाव. अभी इधर मिसल पाव का अच्छा है. हाँ लिया हमारा ऑर्डर आ चुका है. तो अभी हम खा रहे हैं मिसल पाव. बहुत तेज की भूख लगी थी इसकी वजह से मिसल पाव ही ऑर्डर कर दिया. हम नाश्ता करके निकल चुके. तो अभी हम जाएंगे रामधारा टेम्पल के लिए. उधर का नज़ारा देखेंगे. तो चलिए चलते अभी बस का वेट करते. चलो इधर अभी हम बस का वेट कर रहे थे. देखो अभी बस अभी बस का वेट देख रहे थे. फिर टाइम बस का वेट किया तो बस नहीं आएगी आ गई थी. इसकी वजह से हम टमटम में ही चले गए थे क्योंकि हमको बहुत वापस भी आना था. इसकी वजह से हम टुकटुक में ही तो चले गए. जा रहे रामधारा के लिए. तो देखो अभी ऑटो वाले से सेट कर रहे हैं तो लेन देन का. तो प्राइवेट टैक्सी जाएंगे तो हमारे पास ही नहीं बस अवेलेबल. तो उधर बस भी हमको पी एम टी मिल चुकी है. तो हम जा रहे हैं रामधारा मंदिर देखो. एक बंदा हमारा पीछे वीडियो शूटिंग निकाल रहा है. मजा करेंगे आज. बहुत दिनों के बाद घूम के जा रहे हैं हम चार लोग. फाइनली हम पहुंच चुके हैं रामधारा के टेकड़ी पे. तो चलो अभी हम जा रहे हैं. देखो उधर का नज़ारा बहुत अच्छा है देखने लायक क्योंकि पहाड़ी में है. तो नीचे उधर देखो बहुत हरियाली. बारिश का मौसम इसकी वजह से बहुत हरियाली है खेतों में भी. ऐसी कुछ तो शादी बारिश नहीं हो रही है इस सीज़न में. तो देखो ये पत्ते गोभी का खेत है. तो देखो बहुत सारा हम पहुंच गए जिसका इंतज़ार था हमें. तो हम पहुंच गए अभी. तो अभी हम जा रहे मंदिर की तरफ. बहुत सारा नज़ारा है. तो अभी हम जा रहे. तो चलो तो अभी हम उतर चुके. फिलहाल कब के उतर चुके अभी पैदल जाने का मंदिर को. तो हम जा रहे. तो फिलहाल हमारे सचिन भाई भी आ रहे पीछे पीछे हमारे. देखो और दो हमारे साथ ही रहते सचिन भाई. हम उल्टा चलता हुआ देख रहे हैं. फेमस मंदिर रामा का मंदिर यही था शिवल है. देखो कुछ भी हो बारिश भी हो रही है यहाँ पे. बहुत मस्त मजा आया. इधर अभी बारिश भी हो रही है अच्छी तरह से.
ये देखो जो सारे भाई का चिल्लाते ये देखो ये है मंदिर राम मंदिर जिसपे हम बहुत दूर से आए हैं पीएमडी से। अच्छा नजारा है पूरा देखो पहाड़ी के जैसा झाड़ सब कुछ है इधर पहाड़ी पहाड़ी इलाके जैसे लगता है इधर। आवाज तो रिकॉर्ड होना है थोड़ा हां आवाज रिकॉर्ड होना है थोड़ा पति मंदिर की ठीक जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान के भक्त नाम ही हनुमान है तो हनुमान के भक्त जय श्री राम कर रहे जय श्री राम। ये देखो मंदिर है किती शांतता बंद से बारिश का मौसम में घूमने का मजा ही कुछ और इधर देखो तो देखो दोस्तों अभी बारिश हो गई हम तो भीग रहे अभी इधर बहुत सारे क्या करता है भाई दूसरा मोबाइल है क्योंकि मेरा मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो वो कैसे मोबाइल ज़्यादा गर्म हुआ उसकी वजह से मेरी मोबाइल की चार्जिंग डिस्चार्ज हो गई तो मैं अभी दूसरे मोबाइल से शूट कर रहा था। देखो भाई इधर बारिश भी बहुत अच्छी गिरी थी अभी हम घूमने के बाद बहुत क्या बोलते भूख लगी तो अभी हम जा रहे वड़ा पाव खाने के लिए तो हम जा रहे थे चलो अभी जाएंगे वड़ा पाव खाने के लिए तो अभी चलो कुछ ऑर्डर करते चाय भी पियेंगे बारिश के साथ तो अभी तो फिलहाल अभी ऑर्डर किए दिया है तो अभी हमको प्यास लगी थी बहुत तो पानी थोड़ा पी लिया तो अभी इधर भाई अभी कुछ तो ऑर्डर करेंगे फिलहाल अभी वही चाय पीते पीते मेरी चाय खत्म हो गई तो अभी हम जा रहे पहाड़ी में घूमने के लिए चलो हम चलते हैं अभी पहाड़ी पे इधर से रास्ता है हम जा रहे हैं। देखो भाई बहुत हसीन नज़ारा है इधर बहुत अच्छा देखो भाई इधर बहुत सारी पहाड़ी है हम किधर से रास्ता नहीं तभी किधर से भी गुजर रहे ऊपर इधर रास्ता है वो नहीं वो शिव जी के मंदिर पे जाने वाले वो दिखाई दे रहे हैं जोड़ वजन दर देखो भाई हर हर महादेव तो चलो अभी चलते पहाड़ पे देखो दोस्तों मंदिर दिख रहा है मन मंदिर दिख रहा है देखो फाइनली पहुंच चुके हम मंदिर अब आ गए हैं लोगों देखो हमने करके दिखाया जो बूटा काटा ये मंदिर है पीछे हमारे बूटा काटा इन्होंने देखो भाई ओहो देखो महादेव का पिंड है देखो पानी पहाड़ पहाड़ी नजर आ रहा है उसका असल में क्या चला थोड़ी देर नेगा देखो इधर पानी के लिए झगड़ा कर रहे हमारे सचिन बाबा देखो वीडियो बना रहे फोटो ही काटना देखो बहुत सारा नजर है चलो भाई अभी इधर बहुत मस्ती की हमने फोटो शूट बहुत निकाले तो अभी हम जा रहे रिटर्न तो चलो अभी हम जाते बहुत टाइम होगा दोपहर के तो
दो बज गए तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, अभी सीधा जाएंगे राजनगांव। तो चलो अभी हम जाते, बारिश भी हो रही है टिप 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 टिप, तो चलो अभी हम निकलते। तो चलो अभी हम नाश्ता करके निकल चुके, तो अभी फिलहाल बस का वेट करेंगे पीएमटी का। तो अभी हम जा रहे हैं रूम पे, सीधा जाएंगे तो मिलते हैं रूम पे। तो चलो अभी बहुत सारा घूम लिया, बहुत दिनों के बाद हम आज घूमने आए थे इधर रामदरा और थेरूर महागणपति भी किया। और वैसे ही आते आते वाघोली में वाघ महादेव का मंदिर किया था। तो चलो अभी इधर बैठते थोड़ा सा पीएमटी का वेट करते, तो बस इधर बैठने के लिए जगह भी है। तो अभी हम वेट करेंगे सीधा बस का, तो निकलते घर। तो देखो भाई लोग अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं रूम पे, तो सब आ गए। अभी कितने बजे हो गए, 5:30 बजे फिलहाल हमको रूम पे आने के। तो अभी हम थोड़ा सा फ्रेश होंगे, अभी बैठेंगे फिर रात का खाना बनाएंगे। तो चलो अभी रात के तो 9:45 बजे तो हमारा खाना रेडी होगा, तो अभी हम खाना खाएंगे। तो घूम के आए तो बहुत थके हुए, तो देखो भाई लोग सोए हुए, तो खाना बन चुका तो खाना खाना बाकी है। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ऐसे ही ब्लॉग हमारे मिलते रहेंगे हर दिन। तो चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।